हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो मेरे पास आज आपके लिए दो अच्छी न्यूज़ है। पहली न्यूज़ तो ये है कि मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका आरएमएस का रिजल्ट है वो आ चुका है। तो आरएमएस का जो इंटरव्यू का रिजल्ट है वो आ चुका है, और मेरे ही एक बच्चे ने बोला कि उसका सिलेक्शन हो गया। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसके सिर्फ 15 मिनट बाद बना रहा हूँ, और मेरे को जान के ये खुशी हो रही कि हमारी अकेडमी से एटलीस्ट 10 बच्चों का जो है वो ऑलरेडी मुझे पता चल गया, जिनके मतलब सिलेक्शन हो चुका है, बाकियों का भी हो जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं वो है सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग को लेके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग की डेट जो है वो बढ़ चुकी है, और 31 मार्च जो है इसकी आखिरी डेट है। और आपको ये भी आपने याद रखना है कि 23 आवर्स से पहले पहले आपने रजिस्टर करना है, उसके बाद आपका सेलेक्ट नहीं होगा और आपको रिजेक्टेड माना जाएगा ई काउंसलिंग से। अब ई काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो आएगा 6 अप्रैल को। तो जो फर्स्ट ई काउंसलिंग का रिजल्ट होने वाला है वो 6 अप्रैल को आने वाला है। अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। अब 6 अप्रैल को आपके पास 3 चॉइस मिलेंगे। अगर आपका सैनिक स्कूल में हो जाता है, किसी भी सैनिक स्कूल में, तो आपको 3 चॉइस मिलेंगे। जो पहला चॉइस होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है, वो है एक्सेप्ट। तो अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो उस सैनिक स्कूल को, तो आप इस चॉइस को आपने क्लिक करना है। रिजेक्ट दूसरा ऑप्शन होगा, रिजेक्ट, या फिर आपका जो है रिजेक्ट, आप जैसे ही दबाओगे तो आप पूरी ई काउंसलिंग से, आप ना तो सेकंड में ना तो थर्ड में, आप किसी भी ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आपने रिजेक्ट ऑप्शन को नहीं दबाना है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो जो तीसरा और आखिरी होगा वो होगा रिकंसीडर। रिकंसीडर मतलब दोबारा से मैं कंसीडर करना चाहता हूं, और जो आपका आने वाला जो काउंसलिंग होगी, सेकेंड काउंसलिंग अगर होती है, ऑब्वियसली होगी, तो सेकेंड काउंसलिंग में मैं अपने आपको दोबारा से रिकंसीडर करना चाहता हूं। तो यहां पे रिजेक्ट और रिकंसीडर दोनों ही आपने समझना है। रिजेक्ट और रिकंसीडर दोनों में फर्क है। रिकंसीडर का मतलब है आप अगले अगले ई काउंसलिंग में डायरेक्ट एंटर होंगे, और रिजेक्ट मतलब आप फुलफिली रिजेक्ट हो जाएंगे, आप आगे पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। सेम आप एक्सेप्ट करके भी आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ रिकंसीडर में ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट में आपको स्कूल मिल जाएगा सैनिक स्कूल, फॉर एग्जाम्पल आपने घोड़ाखाल के लिए अपियर करा है तो आपको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मिल जाएगा। बट अगर आप एक बार रिजेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा, और ना ही आप ई काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे उसके बाद। अच्छा, दूसरी डेट आफ्टर 6 अप्रैल के बाद जो है, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट याद करनी है। अब हम एक्सेप्ट वालों की बात करते हैं। रिकंसिडर्ड वाले तो 6 अप्रैल को सेकंड काउंसलिंग में चले जाएंगे, रिजेक्ट वाले तो टाटा बाय बाय, और जो एक्सेप्ट है वो बच्चों के लिए जो है, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो है 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल जो है वो आखिरी डेट है जिसमें आपको आपको जो है जो भी एक्सेप्टेड अलॉटेड जो है वो स्कूल अलॉट हो जाएगा। जो भी आपने एक्सेप्ट करा होगा वो स्कूल आपको अलॉट हो जाएगा 10 अप्रैल तक। ठीक है, तो आपको मैंने अभी तक दो इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया। जो तीसरी इंपॉर्टेंट डेट है वो है वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन की। तो जब आपको एक बारी के लिए एक्सेप्ट हो जाएगा फ्रॉम ऑन 10 अप्रैल, तो अब आपको जो है वेरीफाई करना पड़ेगा अपने आप को। और ये वेरिफिकेशन के लिए आपकी जो आखिरी डेट है वो है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से पहले पहले आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जहां से भी आपको सेंटर मिलेगा उस सेंटर पे जाके आपको वो वेरीफाई करना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपका सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल को जो है आपका ई काउंसलिंग पूरा वन कंप्लीट होगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट मेंटेशन जो है वो आपका फुलफिल हो जाएगा, और जो फीस है वो भी आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे पहले पहले आपने सोच लेना कि आपको ई काउंसलिंग में कौन सा सैनिक स्कूल चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है कि मेरा कौन से वाले सैनिक स्कूल में नाम आता है, आ सकता है, मेरे इतने नंबर है, तो मैंने एक वीडियो भी पिन करा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि कर्नल अमरदीप सर का है। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं आज के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।